क्या आप अपने बच्चे का नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया में कराना चाहते हैं? कक्षा छठवीं में नामांकन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ है, जिसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी गई है। और आपके लिए अच्छा मौका है कि यदि आप आवेदन अब तक नहीं कर पाए हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिले और साइबर कैफे की मदद ले अथवा स्वयं ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करने की प्रक्रिया को अपनाएं। नवोदय विद्यालय समिति का वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। नवोदय विद्यालय ये पूरे जिले में एकमात्र विद्यालय होता है। आप किस जिले में रहते हो? अररिया। तो जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया में तो हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। जो कक्षा पांच में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरेंगे, अपने पापा को लेकर के आएंगे, सर से मिलवाएंगे अपने क्लास टीचर से और वो कंप्यूटर पे फॉर्म उनका भरेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय जो अररिया आपूर्ति जिले में है, आपको बड़ी सी बिल्डिंग होती है जहाँ खेल का मैदान होता है, कंप्यूटर रूम होता है, स्पोर्ट्स का होता है और वहाँ हॉस्टल होता है। वहाँ आपको सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था आपको दी जाती है। क्लास का भी कंप्यूटर लगा रहता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर जब आप पास हो जाएंगे तो आपको उसमें एडमिशन हो जाएगा। तो अच्छी आपके ड्रेस भी आपको मिलेगी, जैसे आपको यहाँ ड्रेस मिला है वहाँ भी नवोदय विद्यालय का ड्रेस मिलेगा, शूज मिलेगा, खेल की सामग्री मिलेगी, आर्ट करने के लिए मिलेगा, सारा सुविधा सिखाने के लिए मिलेगा। तो आप वहाँ से अच्छे पद पे जा सकते हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरना है आपको, अभी मैं छोटा सा टेस्ट दूंगा आपको, ठीक है ना। तो केवल आप देखेंगे उसमें बोलना नहीं है, अपने कॉपी पे बनाना है। कॉपी खोल लीजिए, नवोदय विद्यालय का टेस्ट है, ठीक है। कॉपी कलम निकाल लीजिए और देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये पहले बॉक्स में हमने ऐसा किया, दूसरे बॉक्स में हमने ऐसा कर दिया, तीसरे बॉक्स में हमने ऐसा करके ऐसा कर दिया। अब चौथे बॉक्स में कैसा करना पड़ेगा आपको, सब बनाने दिखाइए। पहले बॉक्स में हमने क्या किया, ऐसे किया, दूसरे बॉक्स में ऐसे किया, तीसरे बॉक्स में ऐसे कर दिया। उठाना नहीं है, हम आपके पास आएंगे। क्या भरा पिछले बार, ये जो बोले चौथा में क्या भरा है?
आपका इसका रिश्ता हो गया, दूसरे का नहीं देखना अपना करना है। अपना करना है वायु कह सकते हैं ना। तो आप सभी बहुत तेज बच्चे हो, मुझे उम्मीद है कि आपके विद्यालय में आपके गुरुजी लोग जैसे पढ़ाते हैं आपके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप नवोदय विद्यालय का में के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरिए और 18 जनवरी को एग्जाम है इसका, है ना मैडम। उसमें जो है ना बहुत थोड़ा पैसेज होता है जिसमें एक पैसेज रहता है जिसमें कहा जाता है कि इसका अर्थ क्या है या खाली जगह भरिए। तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आप किताब भी खरीद सकते हैं और सर लोग थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो आप आसान आराम से निकाल सकते हैं। एक रीजनिंग होता है, दूसरा मैथमेटिक्स होता है, है ना। 10-15 है तो 10-15 ऐसे को लीजिए जिसको आप समझ रही है नहीं अच्छा है, क्योंकि होगा क्या कि उसी रेंज में वो भी बच्चे दौड़ करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है 87 बच्चे आपके यहाँ स्टूडेंट है क्लास 5 में, तो नहीं कम से कम तो 80 बच्चे जरूर भरे, भले उसमें 30 बच्चे 40 बच्चे सीरियसली तैयारी करें, और अगर 5 ही बच्चा निकलता है तो आपकी उपलब्धि होगी, आपकी उपलब्धि होगी, ठीक है ना। और आपके यहाँ कंप्यूटर सिस्टम भी है, ये प्लस पॉइंट है। पेरेंट्स को बुला के के लिए वहाँ बैठ करके डाटा भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म अपलोड हो जाएगा, उसमें प्रिंसिपल का साइन है, बच्चों का ये है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि पूर्व निर्धारित तिथि 16/9/24 के बदले इसको बढ़ाकर अब 23/9/24 कर दिया गया है। सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों एवं हेडमास्टर सभी लोगों से आग्रह है कि अधिकतम पंजीकरण करा के इसका लाभ उठाएं।